आढ़े प्रिय गाथियों कक्षा दस विषय नहीं प्रश्नावली 16 2003 इसमें 16.4 में कल संघो पक्ष प्रबल उसका अर्थ के बारे में पढ़ा था। संघ के बाद अगला चैप्टर इसमें गोलाय गोले का प्रश्न क्षेत्रफल गोले का आयतन अर्धगोला अर्धगोले का प्रश्न क्षेत्रफल संपूर्ण प्रश्न क्षेत्रफल उससे संबंधित प्रश्न है। गोला का गोले की परिभाषा में इसका वैशिष्ट्य है कि आकाश में स्थित उन सभी बिंदुओं से संदृष्ट बिंदुओं का वह समुच्चय गोला कहा जा सकता है जो किसी एक बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। नियत बिंदु को गोले का केंद्र कहा जा सकता है यानी गोला आकाश में स्थित पिंडों में से अनेक बिंदुओं या पिंडों का समुच्चय है जो किसी बिंदु से नियत दूरी पर स्थित हो और नियत दूरी वाला जो बिंदु है वो उस गोले का केंद्र कहलाता है। इस प्रकार गोला एक ठोस आकृति है जिसका क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे फुटबॉल होती है या गेंद का उदाहरण ले सकते हैं आप गेंद है फुटबॉल है ठोस गोले के आकार का होता है। इस प्रकार इस ठोस गोले में गोला जितना ठोस उसमें द्रव्य है वो उसका आयतन कहलाएगा और जितना वो स्थान घेरेगा वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। गोले का आयतन गोले का आयतन ज्ञात करने के सूत्र है 4/3 πr³ यानी 4/3 πr³ है वो एक गोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला है और गोले का प्रश्न क्षेत्रफल गोले का प्रश्न क्षेत्रफल यानी एक जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसको 4 से इंटू करने पर ठोस गोले का प्रश्न क्षेत्रफल बन जाता है। ठोस गोले का प्रश्न क्षेत्रफल है 4πr² यानी ठोस गोले का प्रश्न क्षेत्रफल है 4πr² हो गया। गोला जहां आर गोले की त्रिज्या है आयतन में भी क्षेत्रफल में भी और पाई एक स्थान में जिसका मान 2/7 या 3.14 लिया जाता है। उसके बाद अगर गोले को बीच में से काट करके दो खंडों में विभाजित कर दिया जाए तो इस प्रकार जो अर्धगोला बनता है उससे अर्धगोले में उसके दो प्रश्न बन जाते हैं एक तो वक्र प्रश्न बन जाता है और एक वक्र के साथ साथ उसका संपूर्ण प्रश्न वर्ताकार भाग वाला बन जाता है।
तब है आठ गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दो पाई आर स्क्वायर, यानी जो अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा दो पाई आर स्क्वायर, यानी जो वक्र का क्षेत्रफल है उसको दो से शुरू करने पर उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाता है। अब जो अर्धगोला है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, क्योंकि अर्धगोले में वक्र पृष्ठीय दो भाग बन जाने के कारण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक उसका वर्ताकार भाग और साथ में जुड़ जाता है दो पाई आर स्क्वायर प्लस एक वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तीन पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण गोला जो होता है उसमें नहीं तो वक्र पृष्ठ होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय होता है, जहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम आता है वह उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही माना जाता है। लेकिन अर्धगोला जो होता है उसमें वक्र पृष्ठ अलग होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग होता है। अर्धगोले का आयतन जो गोले का आयतन है लगभग वही है, केवल जो ऊपर चढ़ाने का है उसको हमेशा दो में बदल जाएगा और उसका आयतन बन जाएगा दो बटा तीन पाई आर क्यूब। ये बन गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का आयतन। इस प्रकार गोला और अर्धगोले से संबंधित जो प्रश्न है उनके सूत्रों के इसके साथ साथ गोला एक खोखला गोले कोश भी होता है, अंदर से अगर कोई खोखला गोला बनाया जाए तो एक रिंग की आकृति में जैसे सेकेंडरी आवर्तों से परिबद्ध जो क्षेत्र होता है वैसी आकृति का बन जाता है। तो गोले कोश का आयतन जिसका हम खोखला गोला कहते हैं उसी का नाम गोले कोश का आयतन है, चार बटा तीन पाई कोस आर वन का क्यूब माइनस आर टू का क्यूब, यानी आर वन का क्यूब माइनस आर टू का क्यूब, जहां आर वन बड़ी त्रिज्या आर टू छोटी त्रिज्या है। इसी प्रकार इस गोले कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस गोले कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा चार पाई कोस आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर, जहां आर वन बड़ी त्रिज्या है और आर टू छोटी त्रिज्या है। तो इस प्रकार की गोले से संबंधित क्षेत्रफल आयतन, अर्धगोले से संबंधित क्षेत्रफल आयतन और गोले कोश से संबंधित उसका क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र हो गए। इसके बाद उन सूत्रों पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जो हल करते हैं।
जैसे उदाहरण तौर पर दिया गया है बोले की इंडिया बराबर 7 सेमी दी गई है उस गोले का आयतन ज्ञात करना है, साथ में ही संपूर्ण दृष्टि यानी गोला जो होता है उसमें वक्र प्रक्षेप नहीं होता है, संपूर्ण दृष्टि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी गोले की जो त्रिज्या है वो 7 सेमी दी गई है आयतन और हमें इस त्रिज्या से गोले का आयतन और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है वो दोनों भी ज्ञात करने हैं। तब आर का मान दिया गया है 7 सेमी और सबसे पहले गोले का आयतन ज्ञात करते हैं गोले का आयतन बराबर आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब ये हो गया गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। और इस सूत्र में गोले में त्रिज्या क्या हो सकता है, त्रिज्या इसमें दी गई है 7 सेमी तो दी गई त्रिज्या से गोले का आयतन ज्ञात करते हैं 4/3 इंटो आई का मान जब निर्धारित होता है अगर दिया गया था तो वो रखते हैं अन्यथा 22/7 इंटो आर का क्यूब है, आर का मान 7 है तो 7 को 3 पर इंटू लगा देते हैं 7 × 7 × 7। अब संख्या को हल कर लेते हैं 7 × 7 हुआ, बाकी संख्या 22/4 इंटो कर दिया 22/88 इंटो 7 × 7 से इंटो कर दिया 7 × 7 = 49/3। उसके बाद जो संख्या प्राप्त हुई है 88 उसको 49 से इंटू करना और फिर 7 का बाल लगाना है घन सेमी क्यों आयतन है
और आयतन गर्मी मापा जाता है, इसलिए इससे जिस गोले की त्रिज्या 7 सेमी है उसका आयतन आ गया 1437.33 घन सेमी। अब इसी तरीके से हमें उस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र इसी क्रम में आगे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के हैं जो एक आकृति से दूसरी आकृति में विकृत करते हैं और उसका कोई भी आकृति है उसको एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तित करते समय उसके आयतन में कोई कमी नहीं आती है, केवल उसका आयतन उतना रहता है और आकृति का रूप बदल जाता है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है जो परीक्षा में विशेष तौर से पूछे जा सकते हैं। एक आकृति का दूसरी आकृति में बदलना, उसमें उदाहरण के तौर पर किसी से के गोले की त्रिज्या 5 सेमी, यानी शीशे का एक गोला है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी दी गई है और इसे इस शीशे के गोले से इस गोले से 5 मिमी यानी मिली सेंटीमीटर 5 मिली सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, यानी शीशे के गोले से 5 मिली सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली गोलियां बनाई जाती हैं, छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। गोलियां बनाई गई है, हमें ज्ञात करना है इसे कितनी गोलियां बनेगी, हमें ज्ञात करना है
या यानी हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। शिक्षा बोला उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जबकि जो छोटी गोलियां बनाई गई हैं उनकी त्रिज्या 5 मिली सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। तो इनसे बनाए जाने वाली गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है, तब हमें पहले तो 5 मिली मीटर वाली माप की त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याओं को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, और उसके बाद क्योंकि उसका आयतन उतना ही रहेगा तो दोनों का गोला चाहे छोटा हो या बड़ा हो दोनों का सूत्र एक ही लगना है, तो फिर उसके आयतन का सूत्र लगा देंगे। गोलियों की त्रिज्या बराबर यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए उसमें 10 का भाग दे देंगे ताकि दोनों का मात्र की एक बन जाए, तब छोटी गोली की त्रिज्या होगी 5/10 या 0.5 सेंटीमीटर। अब दोनों ही छोटी गोली और बड़े गोली दोनों की त्रिज्या एक ही मात्र में हो गई है, अब हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। बड़े गोले से बनी छोटी गोलियों की संख्या बराबर उल्टा हो गया, बड़े गोले का आयतन बट्टा छोटे गोले का आयतन यानी बड़े गोले की त्रिज्या 5 सेमी है जबकि छोटे गोले की त्रिज्या 0.5 सेमी है, तो बड़े गोले की गोलियों की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन बट्टा छोटे गोले का आयतन, क्योंकि उसकी आकृति बदलती है लेकिन उसका आयतन उतना ही रहेगा। इस प्रकार है बड़े गोले का आयतन 4/3 πr³, जबकि छोटे गोले का आयतन भी 4/3 πr³। अब इसमें केवल 4/3 4/3 दोनों में समान संख्या है, पाई का पाई भी दोनों में समान संख्या है, केवल आर की भिन्नता है, आर दोनों में अलग अलग है, तब हम केवल आर का मान है वो इसमें भिन्न होगा 4/3 × π × आर का मान बड़े गोले में 5 है बटा 4/3 × π × 0.5 × 0.5 × 0.5, क्योंकि छोटी जो गोली है उसकी त्रिज्या मिलीमीटर होने के कारण उसको सेमी में बदली गई है। अब इस बात कर लेते हैं 4/3 से 4/3 पाई से पाई के मिसाल, अब जो संख्या बची है
इसमें केवल दशमलव का अंतर है और दशमलव के आधार पर समान करते हैं। पांच इंटू पांच इंटू पांच बटा उसका दशमलव उठा देते हैं, पांच बटा दस इंटू पांच बटा दस इंटू पांच बटा दस या पांच इंटू पांच इंटू पांच इंटू दस इंटू दस इंटू दस बटा पांच इंटू पांच इंटू पांच, यानी जो संख्या थी उसको दशमलव उठा करके और दस का भाग दे दिया और अब दस का भाग देने का संख्या तीन हुआ है, दस गुणा चला गया, तब पांच से पांच कैंसिल, पांच से पांच, पांच से पांच बच गया, दस इंटू दस इंटू दस बराबर 1000 मौलिया, यानी जो बड़ा गोला था उससे जो छोटी गोलियां बनाई गई है उनकी हमें संख्या ज्ञात की थी, तो बड़े गोले की त्रिज्या और छोटे गोले की त्रिज्या में अंतर था, तो बाकी दोनों का आयतन का सूत्र वही लग रहा है, इसलिए केवल त्रिज्या त्रिज्या के कारण उनकी संख्या 1000 प्राप्त हो गई है। कोई भी आकृति हो उसको एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलते समय उसके आयतन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उसकी आकृति बदलती है।